नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं नवजोत। हमेशा की तरह कुछ खास चेहरे राजनीतिक गलियारों से लेकर आपके लिए आते हैं, जानना चाहते हैं राजनीति के पर्दे के पीछे की हकीकत और उनका राजनीतिक सफर, आज के दौर की राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं। एक ऐसा ही चेहरा आज भी रूबरू में हमारे साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सांसद अरविंद शर्मा की। आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अरविंद जी, यही जानना चाहूंगी आज के दौर की राजनीति के बारे में क्या सोच रहे हैं, खास तौर पे अगर हम आज का पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं आप? आज के दौर की राजनीति और पहली राजनीति पे थोड़ा फ़र्क आया है कि कहीं से इंफॉर्मेशन आईटी जो सेक्टर है वो इतना बढ़ गया है। पहले आप देखेंगे कम्युनिकेशन था, वो बहुत जो है बड़ा मुश्किल होता था लोगों को, और आज आपका देखें मोबाइल है, इंटरनेट है, फेसबुक है, तो बहुत चेंज आया है लोगों की अपने सेवकों से, मैं कहूँगा नॉट राजनीतिकों से, अपने सेवा करने वाले लोगों से आम जनता की जो है दूरियाँ कम हुई हैं, लोगों की एसेसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हुई है, मतलब लोग आपस में मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा चेंज आया है। लेकिन महत्वाकांक्षाओं की राजनीति भी कहीं ना कहीं बहुत हावी है अब। देखिए, हर चीज़ में अब आप देखेंगे कि लोगों में पिछले दौर से अब लास्ट जो है 20 साल में, 15 से 20 साल में मैं कहूँगा, लोगों में अवेयरनेस भी आई है, अपने राइट्स के प्रति अवेयरनेस आई है। जब एक आम वोटर, आम जनता का आदमी ये समझने लग जाएगा कि भाई मेरा वोट का अधिकार है तो मेरे राइट्स भी हैं, तो मेरे राइट्स क्या क्या हैं आप देखें, सरकार के बारे में वो समझता है कि भाई क्या क्या चुनने के बाद मैं अपने नुमाइंदों से क्या क्या काम में ले सकता हूँ, तो अच्छी बात है, दिस इज़ गुड कि उनको पता होना चाहिए, और मैं इसका स्वागत करता हूँ कि जो पता उनको लगे और वो अपने नुमाइंदों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। क्या आपको लगता है कि ये जो वक्त है ये ज़मीनी राजनीति का वक्त है, ज़मीनी चीज़ों से, लोगों से जुड़कर ही राजनीति की जा सकती? देखिए, ये तो शुरू पहले भी ऐसा था कि जो लोग, मुझे लगता है बीच में नेता भूल गए थे, जो लोग लोगों से जुड़े रहते हैं, जो नेता और जो समाज सेवक, उनका टाइम ठीक रहता है, अच्छा रहता है, उनको पता भी रहती है ज़मीनी हकीकत, भाई क्या लोगों को क्या परेशानी है, आम जनता को क्या परेशानी है, तो ये सारी बातें जानना उसके रिप्रेजेंटेटिव का ये अपना फर्ज भी है, और उसको जानना भी चाहिए, तभी जान पा सकता है जो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क। आप कितना कर पाते हैं? देखिए, खुद के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा, करीबन 20 साल का मेरा जो है एक्टिव पॉलिटिक्स का ये जो है संबंध है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ लोगों के साथ जुड़ने की। आपको शायद पता भी होगा कि शुरू का जो इलेक्शन था मेरा 96 का, मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, और तो आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय चुनाव जीतना तो तभी संभव है कि जब हर बिरादरी में, हर तबके के साथ, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, सबके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं को, उनकी सिस्टम को समझ करके। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अब पार्टी में आने के बाद, पहले आपने कहा इंडिपेंडेंट थे तो लोगों से जुड़ाव ज़्यादा था, अब शायद बड़ी पार्टी में आ गए तो शायद वो चीज़ें कम हो गई? भी ज़्यादा है, वो तब ज़्यादा था, अब और ज़्यादा है। आप पूछेंगे, आप देखेंगे जा करके, तो मैं कहूँगा मैंने कभी उस सिस्टम को छोड़ा नहीं है। एक होता ना, एक राजनीति में आप आए, समाज सेवा आप कर रहे हैं और आप इलेक्शन जीत गए, आप लोगों से दूरियां बना ले, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल कभी भी नहीं। 96 से 93, 92 से लोगों से जिस लेवल पर मैं जुड़ा हुआ था, आज भी मेरा उसी तरह से है, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ। फिर भी इस तरह की खबरें तो आती हैं, बातें भी उठती हैं कि आप एक दूरी जरूर बना के रखते हैं, वो दूरी का कारण क्या है? बिल्कुल कभी नहीं, आपको किसी ने गलत कहा है ऐसा। आप मीडिया से ही इतनी दूरी बना के रखते हैं, शायद हमें कहना पड़ता है कि बड़ी देर कर दी, मेहरबान, आते आते। मीडिया की बात दूसरी है। देखिए, आप मेरे को अभी आप मिलते, आप कह रहे थे कि आपको बहुत दिनों में पकड़ाई में आए, तो मेरा मतलब ये है कि मैं मीडिया की बात छोड़िए, मैं आज कम से कम 20 से 22 दिन के बाद, आज जो है दिल्ली में पूरा दिन, आधा दिन मैं दिल्ली में रहा हूँ, क्योंकि मंत्रालयों के काफ़ी काम थे, रेलवे मंत्रालय का था, कुछ स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री का काम था, एक हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं लोगों के बीच में अपने
आम जनता के बीच में मैं देता हूँ, और इसमें आपको ऐसा लगता होगा लेकिन आप लोगों से पूछिए वहां जाकर के कि मैं कितना लोगों के साथ बीच में। ओवरऑल अपने राजनीतिक जो सफर रहा है आपका अभी तक का, उसको किस नजर से देखते हैं? ओवरऑल राजनीतिक सफर अच्छा रहा, उतार चढ़ाव सारे सिस्टम में आते रहते हैं, और अगर हम वाकई में ईमानदारी के साथ हर चीज से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ के, आपको नहीं लगता ये बातें कहने में अच्छी हैं और हकीकत से कहीं बहुत नहीं, दूर नहीं, हैं? नहीं, ऐसा इन सब से राजनीति कहाँ इन सब से ऊपर नहीं, उठकर है? ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई में जो हमारे मन में और दिल में है वही अगर हम काम अगर लोगों के लिए करते हैं, जो इलेक्शन के टाइम पर हम जैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं और जो और नेता करते हैं, और उसी तरह से उसी भाव से उसी सिस्टम से अगर हम जुड़े रहें, तो मैं कहता हूँ कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। लोगों को पता है कि भाई उसका उसका जो नुमाइंदा है वो किस तरह से जुड़ करके कितना लोगों के लिए दर्द लेता है, कितने किस तरह से आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए काम करता है। इसमें मैं समझता हूँ जो इस तरह से करेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी की अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, अभी कांग्रेस के जो हालात हैं उसको किस नज़र से देखते हैं? चुनाव आने वाले हैं डेफिनेटली। देखिए कांग्रेस ने नज़रिया, मेरा नज़रिया तो सेवा का है, और कांग्रेस पार्टी ने यूपीए टू ने, यूपीए वन ने भी, यूपीए टू ने भी, और हेडेड बाय कांग्रेस यूपीए टू, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और आम लोगों के लिए काम किया है। आप देखें लोकपाल कौन लेके आए, कांग्रेस कांग्रेस अभी हाल ही के चुनाव जो आए उन्होंने तो तस्वीर कुछ अलग ही बनाई। आप समझे नहीं, वो स्टेट की अलग पॉलिटिक्स है। अच्छा चलिए हरियाणा स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में बताएं। हरियाणा स्टेट की पॉलिटिक्स अच्छी पॉलिटिक्स है, हरियाणा इज डूइंग वेल। आप देखेंगे हरियाणा में अभी हमारी जो गोहाना में रैली हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी सारी बातें रखी आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, नौजवानों के लिए, खेती और मजदूरों के लिए, तो बहुत सारी बातें रखी, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, तो सारी चीज़ें मिलाकर के आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी कांग्रेस की हरियाणा में स्थिति बहुत अच्छी। आपके अपने ही जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा आवाज़ उठाते रहे हैं विकास के मुद्दे पर, गुटबाजी चरम सीमा पर है, दो फाड़ कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस नज़र आती है, फिर आप कैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, लीडर्स की आपस में विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन अंदर से सब एक है। कहाँ एक है? सोनिया जी के, राहुल जी के, सरदार मनमोहन सिंह जी के, सबके लीडरशिप के, हाईकमांड के नेतृत्व में सारे के सारे वो एक हैं। नजर क्यों नहीं आती अरविंद जी? अरविंद जी वो एकता नजर क्यों नहीं आती? एकता की बात ऐसा मुझे तो ऐसा नजर आता भी नहीं कि कोई ऐसी कोई डिफरेंस है, लेकिन सारी बातें अपने विचारों का मतभेद है, सब मिलकर के इकट्ठे मिलकर के काम करते हैं। आपको लगता है कि विकास हर जगह समान हुआ है? देखिए मैं अपनी करनाल की बात कह सकता हूँ, पानीपत की बात कह सकता हूँ। मेरे करनाल में आप देखिए कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मिला है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लेवल का हॉस्पिटल होगा, और करीबन बनते बनते वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा विद लैंड एंड ऑल मिला करके। उसके बाद हमारे को एयरपोर्ट मिला है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिला है, करनाल को नेशनल कैपिटल रीजन में ले लिया है। उसके बाद आपने देखेंगे रिफाइनरी में एक रबर लिमिटेड प्लांट लगा है, करीबन 8 से 10 हज़ार करोड़ का वो प्लांट है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को कई कॉलेजेस मिले हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस मिले, इतने बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स मिले, उसके बावजूद ज़मीनी हकीकत डॉक्टरों की भारी कमी, आम इंसान के लिए ज़रूरतें अगर हैं तो वो पूरी नहीं होती, बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां छत नहीं है, किताबें नहीं है, कहीं बेंच नहीं है। हरियाणा, हरियाणा में ऐसा नहीं, ऐसा है बिल्कुल है, वो लगातार तस्वीरें हमने दिखाई है मीडिया में। हरियाणा में, हरियाणा में ऐसा नहीं है बिल्कुल है। अगर सुनो कोई एक आध स्कूल में अगर आप बात करते हैं, अब मेरे आप मेरे मेरे करनाल में आप कभी आइएगा, आप विजिट करिएगा, पानीपत में आप विजिट करिएगा, आप मुझे बताओ कोई जस्ट कोट एनी स्कूल आपके करनाल के ही कई स्कूलों की भी खबर है, हम जरूर आपको बताएंगे। आप कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा, आपको आप कहते हैं पूरे हरियाणा में ऐसा कोई स्कूल नहीं है। कुछ कोई नए स्कूल अगर खुले हों, कुछ पुराने स्कूलों की बिल्डिंग अगर ऐसा हो कोई एक आध स्कूल की, तो उसको जरूर वो प्रपोजल में होगा कि भी उसकी बिल्डिंग की नई तैयारी हो रही होगी और बेंचेस की। लेकिन आपने कहा करनाल और पानीपत, अगर ऐसा कोई भी स्कूल, जस्ट कोट मी, जस्ट टेल मी द नेम,
आप अगर ऐसा आप कहते अगर बगैर नहीं पूरे हॉस्पिटल्स में एक एक मिनट दूसरा हॉस्पिटल्स की बात है सुनो देखो ये चीजें बहुत जो है एक हरियाणा बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है और बहुत कोशिश होती है आम जनता के लिए काम करने की डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है पूरे देश के लेवल पर लेकिन ऐसा नहीं है दूसरी चीज़ अभी आपने देखा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कितनी सीटें बढ़ाई हैं मेडिकल की आप देखें MBBS की डेंटल की आपकी PG सीटें बढ़ाई हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है गंभीर है कि अगर ऐसा है पूरे नेशनल लेवल पर लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है मेरे करनाल और पानीपत में और हाँ गाँव में हम जैसे जाते हैं गाँव में हर गाँव में चाहता है मेरे यहाँ डिस्पेंसरी खुले मेरे यहाँ हॉस्पिटल खुले बात बात उनकी ठीक है लेकिन एडजेसेंट गाँव में बड़ी अच्छी फैसिलिटीज रहती हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आप बात सिर्फ उतनी सुनो आप ऑथेंटिक बात करो आप बिल्कुल ऑथेंटिक आपकी अपनी कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि अंबाला में कोई विकास नहीं हुआ आपके चौधरी बीरेंद्र कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ आपके अपने विधायक नरेश सेलवाल कहते हैं कि उनके इलाके में कोई विकास नहीं हुआ नहीं नहीं देखो मेरी बात सुनो मेरे आप करनाल में कोई कोई झूठी बातें तो बोल नहीं रहा हूँ अच्छा तो आप ये बताएं करनाल की बात में कर रहा हूँ जो आरोप लगाते हैं मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करनाल इसका मतलब जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि कुछ जगह का विकास हुआ जैसे रोहतक का पानीपत का तो वो सही है बाकी जगह से नहीं हुआ आप इस बात से देखो मैं आई बिलोंग टू करनाल माई रिप्रेजेंटेशन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इज करनाल सुनो सुनो मैं अपने करनाल की बात कर सकता हूँ और हरियाणा की मैं ये बात कर सकता हूँ कि मैंने देखा है मेवात में आप देखेंगे आप रेवाड़ी में देखेंगे गुड़गांवा में देखेंगे फरीदाबाद में देखेंगे कुरुक्षेत्र में देखेंगे अंबाला में भी कोई कमी नहीं रही है अंबाला में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं कई आपको देखेंगे कई रेल की लाइनें मिली हैं आपको नेशनल हाईवेज मिले हैं देयर आर सो मैनी थिंग्स ऐसा नहीं है और मैं अपने करनाल की जो बात कहता हूँ ये बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बात है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट मिला है सो मेनी थिंग्स तो आप मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई समान विकास नहीं है कि अगर करनाल में लेकिन लेकिन एक चीज एक चीज दूसरी चीज और है कि विकास जो शब्द है जैसे आप बोल रहे हैं विकास जो शब्द है वो एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है पांच साल में खत्म होने वाला नहीं है कि भाई विकास शब्द को आप कहेंगे कितना विकास हुआ ये जो पहिया है विकास का ये हमेशा घूमता रहता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी आपको मिल गई हैं बहुत सारी चीजें आगे मिलेंगी लेकिन हमारे को इन चीजों से संतुष्ट नहीं होना ये बात तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई अगर हमारे को कोई चीजें मिल गई हमें संतुष्ट नहीं हमें और लड़ाई लड़नी है हमारे को लड़ाई लड़नी है कि हमारे नौजवानों को जो बेरोजगार नौजवान उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे काम मिले इसका मतलब आपको लगता है कि जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर के अपने लोग हैं जो ये आवाज उठाते रहे हैं राव इंद्रजीत की बात कर लें जो अलग हो गए कुमारी शैलजा की बात कर लें देखो सुनो मैं अपने आप को इन चीजों में नहीं डालता हूँ मेरा काम है लोगों की सेवा करना मैं इस पार्टी पॉलिटिक्स इन चीजों में पढ़ता भी नहीं हूँ मैं अपने काम पर ध्यान रखता हूँ मैं अपने लोगों की सेवा पर ध्यान रखता हूँ और मेरा यही निशाना रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए क्या कर पाऊँ इसी बात की मुझे हमेशा चिंता करता हूँ लेकिन आपको लगता है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी को कमजोर करती है नहीं नहीं देखो ऐसा है नेचुरली अगर कहीं ऐसी बात है तो इससे अगर कहीं डिफरेंस है और वो सरफेस पे आता है तो नेचुरली इससे लोगों में गलत मैसेज जाता है और अभी मैं समझता हूँ कि ये आपस की बातें हैं ये बैठ करके सुलझा लेते हैं बैठ के जब समय आता है सारी बात हुई तो नहीं कभी फूलचंद मौलाना को बदलने की बात हुई आपको लगता है कि ओवरऑल चलिए बात करते हैं ओवरऑल क्या संगठन में बदलाव होने की जरूरत है आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोगों ने ये मांग उठाई थी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए बिकॉज वो संगठन को ज्यादा संगठित नहीं करता देखो ये काम हाईकमांड ने करना है प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है क्या करना है ये सारा हाईकमांड का पार्टी में आप समझते हैं सब पार्टीज में अपना अपना हाईकमांड देखता है कांग्रेस पार्टी में भी यही है उसने देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है उनको कैसा लगना है इसमें ठीक है सब आप उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते मेरा कोई कमेंट आप तो इससे इन सारी चीजों से अपने आप को एक तरफ रखना चाहते हैं मेरे से आप बात करो कोई विकास की बात करो कोई नौजवानों की कोई नौजवानों की बात करो कि हमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं चुनाव आने वाले आप यहीं से लड़ना चाहेंगे या कहीं और से बिल्कुल नेचुरली मैं यहाँ से लड़ूंगा मैं यहाँ से दो बार सांसद रहा हूँ तो मैं और कहाँ से लड़ूंगा यहीं से लड़ूंगा मैं मेरे लोग हैं मेरा घर है यहाँ पर और आप देखेंगे 3 साल में तो डोमिसाइल हो जाता है 10 साल मुझे हो गए हैं मैं करनाल का निवासी हूँ करनाल मेरा क्षेत्र है करनाल मेरी भूमि है और बिल्कुल आई लव माई करनाल
ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी चाहते हैं कि हम प्रेजेंट जगह से ना लड़कर कहीं और से चुनाव लड़ें। आपको लगता है कि मैं इस चीज में मैं इस रेस में शामिल नहीं हूं, मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। और क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी आगे इलेक्शन को लेकर? मैंने कभी स्ट्रेटजी इलेक्शन की मैं स्ट्रेटजी बनाता नहीं, मैं तो पांचों साल इलेक्शन लड़ता हूँ, पांच के पांच साल इलेक्शन लड़ता हूँ कि जो लोग इलेक्शन के टाइम में जो काम करते हैं, भागा दौड़ करते हैं, लोगों से मिलना, ये करना, मैं हर पूरे रोजाना ये काम करता हूँ, तो मुझे कोई स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन AICC की बैठक हुई, उसमें भी राहुल गांधी ने कुछ सख्त निर्देश दिए कि जो इश्यूज और स्ट्रेटजी को लेकर अब हरियाणा कांग्रेस को आगे बढ़ना है, और आपको नहीं लगता उन पर गौर करने की जरूरत है? स्ट्रेटजी अब पार्टी को निर्देश जो देगी, हाईकमांड को निर्देश देगा, उसको हम फॉलो करेंगे। क्या मुद्दे होंगे अहम? मुद्दे हैं बहुत सारी चीजें। हम चुनाव में विकास के सिस्टम को लेकर हम चुनाव में जाएंगे कि हमने विकास किया है, हमने लोगों की बात रखी है। हाँ। और केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हाँ। दलितों के लिए, बैकवर्ड है, नौजवान, हाँ। बहुत सारी योजनाएं दी हैं। इसी इशू पर जब AICC की बैठक हुई तो राहुल गांधी ने बहुत क्लियर कट CM हुड्डा को बोला कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, दिल्ली में विकास ज्यादा हुआ था हरियाणा से और दिल्ली के रिजल्ट कुछ और कहते हैं, तो आपको और बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, लोग जो है, लोगों के एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जैसे विकास है, विकास की डेफिनेशन बड़ी डीप है, तो इसी तरह लोगों की एक्सपेक्टेशन है, हमें कोशिश करनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस पर हम उतरें। लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो ये हम उम्मीद करते हैं कि UPA ने बहुत अच्छा किया है और आगे भी हम लोगों को बताएंगे, लोगों की और जो बातें हैं हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो रह जाती हैं आगे हम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को संतुष्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की उम्मीद पर हम खरा उतरें, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक मोदी वेव बन रही है और एंटी इनकमबेंसी फैक्टर जो है वो बहुत कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए हरियाणा में कोई ऐसी वेव की बात नहीं है, हरियाणा हाँ। में हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने काम को सब अच्छा रहेगा, ऐसे कुछ नहीं। आपको लगता है कि राजनीति का जो मयार है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है? जिस तरह के शब्दों का आज राजनीति में इस्तेमाल होता है उससे द वेरी बेस ऑफ पॉलिटिक्स इज डिटेरियोरेटिंग। देखिए राजनीति में शुरू में पहले से भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब लोगों ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनको लोग बागों ने उसको इंटेंटली वॉच करना शुरू किया है, इंटेंटली उसको हियर करते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहले भी होता है पॉलिटिक्स में, कभी गुस्सा होते हैं, कभी नरम होते हैं, कभी तीखे शार्पनेस आती है, कभी ये चलता रहता है राजनीति के दौर में, चलता रहता है। आपने कहा कि पहले भी चलता था, अभी चलता है, डू यू जस्टिफाई कि चलता है तो कोई दिक्कत नहीं? चलता रहता है, उसमें आपको देखो हरेक को संयम से, मैं कहता हूँ अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो कोई भी कितना भी बड़ा लीडर है अच्छी बात है, लेकिन कई बार बातें दूसरी तरफ से जब आती हैं तो उनका जवाब भी देना पड़ता है, तो ये सारी बातें हैं इसमें। तो यानी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है आपको लगता है? नहीं जस्टिफाइड, मैं तो इस बात में अपने, मैं तो अपना ही कंट्रोल कर सकता हूँ कि अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो और सभ्यता से चलना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। तो ओवरऑल अब आपकी अगली प्लानिंग क्या होगी खुद को लेकर? मेरी प्लानिंग ये अच्छे, मैं बताया आपको कि मैं तो 5 साल से लगा हुआ हूँ, अपनी अच्छी तैयारी में हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, जनता से मिलता हूँ, बात सुनता हूँ, उनकी बात को आगे पहुंचाता हूं, कि पार्लियामेंट में रखना हो, कि हरियाणा सरकार को रखना हो, कि प्रशासन के सामने रखना हो, कुछ छोटे छोटे काम आते हैं उनको सारा करते हैं, और जो उनकी बड़ी बात है उसको मैं उठाता हूं। अभी जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई आपकी और स्पीकर कुलदीप शर्मा के बीच, ये जो वर्ड्स ऑफ वॉर चला, इसको क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई वर्ड ऑफ वॉर नहीं चला, थोड़ी सी एक बात आई थी, स्टेटमेंट आई थी, उनको गलतफहमी हो गई थी, उनको किसी तरह की कोई गलतफहमी थी, और मैं समझता हूँ हमने दूर की है, कि भाई आपस में मिलकर के कोई ऐसी बातें नहीं है, लोग जो है कुछ गलत फहमियाँ कुछ लोगों द्वारा भी करवाई दी जाती है, तो लेकिन उसमें हमारा कोई ऐसा, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी खबरें आई क्योंकि बहुत से लोग पार्टी छोड़ कर गए, आपको लगता है कि कांग्रेस को उससे नुकसान हुआ? कांग्रेस को पार्टी में जाना आना ये दौर है, आपने सब, कुछ लोग जा रहे थे आ भी रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी है, लोग कुछ अपनी अपनी सोच जो है इंसान की, आप समझते हैं इंसान की सोच बदलती रहती है, रात को कुछ है दिन में कुछ है, बदलती है, इसको भी हम बात को ध्यान में रखना चाहिए, तो अपनी सोच है, कोई
कोई जा भी रहा है तो आ भी रहा है, इसमें कोई ऐसे बात नहीं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, देश को आजाद कराने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही। परिवार से भी एक एक आदमी जाता है तो उसका नुकसान होता है, तो आपको लगता है कि कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा परिवार है तो आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल फिनोमेना मैं कहता हूँ, नेचुरल है, कोई जाएगा कोई आएगा, इसके अपनी अपनी समझ है, कोई जा रहा है तो कोई आ भी रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा बड़ा परिवार है तो ऐसी, अरविंद जी, ऐसी खबरें आ रही थी कि बहुत से अभी जो करंट लोग हैं वो भी जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बीजेपी में वो शिफ्ट हो जाएं। मुझे ऐसी कोई, मेरे को ऐसा नहीं पता है कुछ भी कि भाई कौन है, कौन संपर्क में है। मैंने बताया ना आपको, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे लोगों की चिंता रहती है, उनके कामों की चिंता रहती है कि उनके लिए मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। मैं इस तरह की चीज़ों में मैं ज़्यादा सूत्रों के हवाले से खबरें तो ये भी आई थी कि कहीं ना कहीं आपकी भी बातचीत हुई या कुछ ऐसा हुआ। आपने आपने पता नहीं क्या क्या सुन रहे हो आप, कहाँ कहाँ से, वही है जो कहाँ मीडिया कहाँ के से, पास आती है, नहीं इसलिए नहीं मैं आपसे कहाँ कहाँ पूछ रही से, हूँ कि क्लैरिफाई हो जाए बैठे हैं। मुझे तो कोई खबर नहीं है, लेकिन आपने कहीं सुना होगा, पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से सुनते हैं आप। तो यानी आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ऐसी नहीं, कोई बात नहीं, यू आर वेरी वेल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना अपने मजबूती से हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमारे को, जो हमने सेवा की है और लोगों को पता है वे किस तरह से हम लोगों से जुड़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नौजवान, हमारी महिलाएं, सब मिलकर के, बुजुर्ग सब मिलकर के, हमारे को पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, और इस उम्मीद के सहारे मैं अपने काम में लगा हूँ। आपको नहीं लगता कि आप बहुत कैलकुलेटिवली चल रहे हैं? नहीं, नोट कैलकुलेटिवली तो वो चलता है जिसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए, हमारे को शॉर्ट टर्म तो बेनिफिट की बात है ही नहीं। हमें तो ये है कि वे लोगों की सेवा करनी है, हमारे खून में है, हमारे खून में, हमारा परिवार जो है सेवक परिवार है, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी वाइफ है, हमारी धर्मपत्नी है, सारे के सारे, मेरा पूरा स्टाफ है, पूरा सेवा में लगा रहता है, सुनील लाकड़ा मेरा स्टाफ है, पूरे का पूरा, सारे के सारे साथी, हम सेवा, हमने तो राजनीति को सेवा के रूप में किया है। कितने दोहरे मापदंड नहीं लगते? हर राजनेता ये कहता है कि राजनीति में मैं सेवा के लिए आया हूं, लेकिन फिर भी राजनीति में आके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती हैं, वो सेवा भावना छोटी हो जाती है, पार्टी छोटी हो जाती है, सब कुछ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा मैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हम बिल्कुल यूनिफॉर्मली काम कर रहे हैं, करीबन 20 साल से मैं एक्टिव सिस्टम में हूँ, और बिल्कुल मुझे कहीं भी एक दिन भी हमने अपने आप को कंफ्यूज नहीं किया, एक दिन भी हमने आप को चेंज नहीं किया, और इसी आप तरह। पे जो विपक्षी इस तरह के आरोप लगाते रहे लैंड ग्रैबिंग और इस तरह की लैंड माफिया के बारे में, उनका उनके बारे में क्या? आप कोई ऐसे आरोप, पता नहीं क्या क्या सिस्टम चलता है राजनीति राजनीति में, है, आरोप लेकिन चलते ऐसा रहते हैं। बिल्कुल ये गलत है, हाँ और हम तो बहुत ईमानदारी के साथ, हाँ बहुत अच्छे तरीके से हाँ लोगों के साथ काम किया हमने, चलिए ऐसा आपसे कुछ ये नहीं। जानना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में खुद को कहाँ देखते हैं और खुद के लिए क्या प्लान किया है डाउन द लाइन? देखो, खुद को क्या देखता हूँ मैं, तो ये है कि भाई हमारा काम है लोगों के लिए सेवा करना, और लोगों ने देखना है कि हमारी सेवा से संतुष्ट हैं या नहीं है, तो लोग देखेंगे। बाकी ये है कि भाई मैं ज़्यादा सिस्टम को ये समझता हूँ कि हम ईमानदारी से और हर चीज़ से ऊपर उठ करके अगर इस काम में लगे रहेंगे तो लोग नतीजा देंगे, लोग हमारे को। हाउ श्योर आर यू अबाउट योर सीट इन दिस कमिंग इलेक्शंस? लेट्स होप, देखते हैं, तो भगवान है, हमने कभी घमंड नहीं किया, हम तो एक सेवा करते रहो, इसमें रिजल्ट भगवान, परमपिता परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह, सब मिलकर के, सब करके साथ देते हैं, हम तो अपनी सेवा में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बैकफायर कर रही हैं कांग्रेस के लिए? इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये वो एक ऐसा सेंसिटिव पीरियड है जहां पर बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भले ही घोषणाएं बहुत हुई हों, भले ही वो गोहाना रैली की आप बात कर रहे हो या कुछ नहीं नहीं और नहीं कर नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, लेकिन जो वो चुनावी लॉलीपॉप घोषणाएं, बनकर नहीं रह नहीं गए। घोषणाएं जो हुई हैं हाँ उन पर अमल हो रहा है। अभी 1 फरवरी से आपको बुढ़ापा, वृद्धा पेंशन मिलने लग जाएगी, बुजुर्गों की पेंशन, विकलांगों की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, और जो जो बेनिफिट्स जो सरकार ने दिए हैं वो 1 तारीख से चालू हो जाएंगे। अब आपकी फूड सिक्योरिटी योजना है, ये सरकार गंभीर है, अभी इसमें कोई दिखावा कहाँ है। अभी राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया था तालकटोरा में कि 9 सिलेंडर से हम 12 कर देंगे, आज सरकार ने अनाउंस कर दिया 12 सिलेंडर। तो घोषणाएं थोथी घोषणाएं कहाँ हैं, सारी घोषणाएं सॉलिड हैं, जो भी सरकार कर रही है सारी घोषणाएं सॉलिड है, सारी की सारी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सारी की सारी चीज़ों पर। और वहीं पर अब हरियाणा सरकार सरकार ने अभी सीएलयू किया, अभी हरियाणा सरकार ने किया कि प्रियदर्शनी योजना लागू की,
91,000 रुपये, जो जिसके पास बीपीएल कार्ड है 91,000 रुपये उसको देते हैं, जिसके पास कच्चा मकान है, जिसके पास मकान नहीं, तो उसमें योजना चल रही है, बड़े अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से योजना चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार, ऐसा नहीं है कि जितनी घोषणाएं होती हैं उस पर अमल हो रहा है। आप आपको लगता है कि जो शैलजा ने किया अंबाला से छोड़कर राज्यसभा से जाने का जो रास्ता चुना वो सही है, बिकॉज विपक्ष भी उसको टारगेट कर रहा है कि शायद डर के मारे उन्होंने एक सेफ पैसेज चुन लिया। शैलजा जी ने जो किया है वो हाईकमांड, मैं आपने बताया ना कांग्रेस पार्टी में हाईकमांड की बात है, हाईकमांड ने सोचा होगा कि शैलजा जी को राज्यसभा में भेज करके कुछ और ज़्यादा काम लिया जा सकता है पार्टी के लिए, मैं समझता हूँ, इसलिए उन्होंने शायद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। तो ये सारा उन पार्टी देखती है, तो सारा मैडम ने, राहुल जी ने कुछ सोचा होगा। लेकिन सीएम हुड्डा तो ये कहते हैं कि जो राज्यसभा जाते हैं वो बारात के घोड़े हैं और जो चुनाव लड़ते हैं वो रेस के घोड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राजनीति में कभी राज्यसभा कभी लोकसभा ही चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर लीडर है शैलजा, ऐसा नहीं है, वो सारा चलता रहता है राजनीति में, कभी कोई राज्यसभा में जाता है, कभी लोकसभा में जाता है, कभी कोई एमएलए का भी चुनाव लड़ लेता है। तो फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आपको लगता है कहीं गलत है? चलो उसमें कोई मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, उनकी अपनी बात है, कोई बात। ओवरऑल यू थिंक अभी तक जो आपका राजनीतिक सफर रहा, यू आर क्वाइट सैटिस्फाइड विद दैट? या आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ।